अंसार कुछ नया लेके आए हैं। 15 या कितने साल पहले बुनियाद आया था टेलीविजन स्क्रीन पे, फिर तमस, उसके बाद कुछ वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस कहानी की खासियत ये है कि ये राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी हुई है। उनकी तमाम शॉर्ट स्टोरीज में से ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज कहलाती है। और फॉर मी एज इज ग्रैंड डॉटर, इट वॉज अ परफेक्ट, एक होता ना भेंट देना अपने दादाजी के 100th बर्थ एनिवर्सरी पे, और जी ने बहुत सहायता की इस बात इसको लेके। तो मुझे, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बहुत बड़ा शो है। सो आई एम एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड, और सिर्फ एक बात है कि आई होप जो इन्होंने लिखा है मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँ। क्या आप क्या जानना चाहते हैं कि अच्छा, मैं राइटर ही बनी लाजवंती को जब पहली बार पढ़ा मैंने, और मैंने सोचा कि ये तो एक फिल्म है, और मैं दूसरे राइटर्स के पास गई, मैंने बोला ये डेवलप करनी है। तो उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया और जो जैसे वो सोच रहे थे, मेरी और उनकी सोच में बहुत डिस्कनेक्ट था। और फिर मुझे एक बहुत जो हमारे एक फैमिली के फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि इला तुम क्यों नहीं लिखती, मैंने बोला पर मुझे लिखना आता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र सिंह बेदी की ग्रैंडडॉटर, थोड़ा बहुत तो आप में होगा। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई 2000 में, लिटरली इन 2000 मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट लेकर मैं एक स्टूडियो गई थी एक्टर्स को मिलने। वहाँ पे मेरी भेंट अरुणा ईरानी के साथ हुई, और वो हमारे पापा को जानते थे। तो उन्होंने, बिट्टू आप इधर क्या कर रहे हैं, मैंने बोला अरुणा जी मैं बेदी साहब की कहानी है लाजवंती, उसको फिल्म में बनाना है, ये है स्क्रिप्ट। तो अरुणा जी ने मुझसे कहा कि फिल्म तो बनती रहेगी बेटा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे पास आके मेरा शो लिख लीजिए मेहंदी तेरे नाम की। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई राइटर बनने की। और 15 साल लगे हैं लाजवंती को वहाँ से आज लाना। बहुत एक्साइटेड, क्योंकि देखिए कहानी अगर 47 में भी हो या 2015, मैन वुमेन का रिलेशनशिप वही रहता है ना।
जो लव स्टोरी होती है, जो दोनों के बीच में तकरार होती है, तो मुझे मुझे ऐसा एक 47 में जो रोमांस, जो वो उस ईरा का रोमांस जहाँ ग्रामोफोन बजते थे, पिंड में लाइटें नहीं थी, वहाँ पे लैंटन के साथ हम लोग ने लाइटिंग की है, तो मेरे लिए तो लिखना मींस बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ट्विस्ट टर्न्स तो उस दौरान में, उस दौर में इतना कुछ हुआ के, और रिसर्च मैंने इतनी की हुई है कि बहुत कुछ है कहने को, पर पता नहीं मैं कह पाऊंगी कि नहीं उतने लिमिटेड टाइम में। आप प्लीज़ लाजवंती देखिए, आपको नहीं लगेगा कि ये एक ओल्ड फैशन लव स्टोरी है, क्योंकि ईरा वो है, पर जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कंटेम्प्रेरी हैं, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो शहर का लड़का है और लड़की गांव की लड़की है, तो दोनों के बीच कैसे लव स्टोरी ब्लूम करती है। तो आई अश्योर यू आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप प्लीज़ लाजवंती देखिए एंड ट्यून इन टू जी टी वी व्हेन इट गोज ऑन एयर। देखे एक दो दो बजे मेरे को बोला था साथ की
अंसार ये ले
पापा एक मिनट, पापा रोल है, रोल है मेरा। Today is a very auspicious day for the Bedi family. Excuse me. Present here. यहाँ पे आइए। Today is my grandfather's 100th birth century. Rajinder Singh Bedi, Padma Shri Rajinder Singh Bedi, a great legend in his time, who was not only a writer, he was also a prolific filmmaker. And today we are gathered here to showcase his short story, which is being adapted as a television show on ZTV. It's called Lajwanti. It is one of the most beautiful stories and accounts of the partition of India. And I can't. Ek toh first of all, this is that happened during that time. And the beauty of the story is, though it's called Lajwanti, it is from the point of view of her husband Sundarlal. And therein lies the greatness of the writer, who talks about the accounts of partition while he's searching for his Lajwanti, who has been separated from him. And so we're gathered here today, especially because it's his 100th birth centenary, and there couldn't be a better time to talk about it and launch it in front of the media. That sitting beside me is my Sundarlal and Lajwanti, not mine actually, Bedi Saab Sundarlal and Bedi Saab Lajwanti. And it's a very, very proud moment for the Bedi family and for Trilogy Entertainment. Me as a producer, we are producing the show for Z, and it couldn't, we thank Z and are grateful that they gave us this opportunity to showcase his short story on their channel. Thank you. What? Sorry, I can't hear you. मेहनत तो काफी लगी एक्चुअली। ये जो कहानी लाजवंती जो बेदी साहब ने लिखी थी, वो मैंने 15 साल पहले पढ़ी थी, और जब मैंने कहानी पढ़ी और मुझे लगा ये तो फिल्म बनने के लायक है, और मैंने कोशिश की, लाख कोशिश की कि फिल्म बने, पर वो नहीं बनी। सो इट इज अ स्टोरी दैट आई हैव रिसर्च्ड for years. So I know the Mahol, bahut books padhi, films dekhi, partition ke first hand accounts of people who were there, my bua, my chacha, they remember vague memories of, you know, making the journey from Lahore to India. It is still a very big wound in the hearts of all those people. बहुत इंटरेस्टिंग शो है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट शो है, एंड एक लव स्टोरी है, बहुत क्यूट लव स्टोरी, जिससे आई थिंक ऑडियंस को प्यार हो जाएगा। देखो लाजवंती स्टोरी, ओके, रिटन बाय राजेंद्र सिंह बेदी, पद्मश्री अवार्ड विनर, वन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड्स। इट वाज़ टू बी मेड इनटू अ मूवी विद दिलीप कुमार और नूतन, ठीक है। उनकी ग्रैंड डॉटर ने प्रोड्यूस किया ये शो, उनकी ग्रैंड डॉटर ने लिखा है ये शो, जी टी वी पे आने वाला। तो आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े नाम एसोसिएट है इसमें। तो हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल का शो होना चाहिए, क्योंकि ये एक 50 साल पहले से ये जो लेगेसी बिल्डअप होती जा रही है, और इनफैक्ट आज उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी, तो आज के दिन हम पहली बार मीडिया से बात कर रहे हैं शो के बारे में। तो दोनों के कैरेक्टर
लाजवंती एक गांव की लड़की है पंजाब की, और बहुत चुपी है, बबली है, बहुत बोलती है, झल्ली भी है, इमोशनल भी है, केयरिंग भी है और रिबेलियस भी है. तो मतलब आई थिंक कोई ऐसा ट्रेट बचता ही नहीं जो नहीं है लाजवंती में. एग्जैक्ट कॉपी है, उतनी झल्ली है, उतनी पागल है, उतनी गुस्से भी होती है, कभी प्यार भी करती है, कभी है. करेक्ट, परफेक्ट कास्टिंग है और मैं सही में कह रहा हूँ. हाँ हाँ किस तरह से मैं निभा रहा हूँ. ओके, मेरा जो किरदार है एक्चुअली मेरे पर्सनालिटी टाइप से आइडेंटिकल तो नहीं है, बट काफ़ी ट्रेट्स है. और मुझे एक्चुअली जिस पर काम करना था वो था कि उस ज़माने का शहरी, क्योंकि दो ये बंदा मॉडर्न है उस ज़माने को लेकर, पढ़ा लिखा है, लाहौर से है, बट मैं हूँ बॉम्बे का, पंजाबी हूँ लेकिन बॉम्बे में पला बढ़ा हूँ, बाहर रहा हूँ. तो मुझे अपने जो शहरी पने को, आज के शहरी पने को निकालना पड़ा, उस पर मैंने मेहनत की. जी डिफ़िकल्टी, बट आई मीन काम की बात थी, काम की एंड काम किया, उस पर टाइम बिताया. और क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में, इनिशियल हमारी शूटिंग जो हुई वो पंजाब में हुई, तो आप उस एनवायरनमेंट में में शूट कर रहे हो, तो आपके आसपास सब वो भाषा बोल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी कहानियां बताते थे, तो आप उन सब चीज़ों को इम्बाइब करते हो और ऑटोमेटिकली कुछ कमाल सा निकल जाता है. और पता है मैंने काफ़ी काम किया हुआ है कई सालों से, बट आप एक रॉ एक्टर के साथ काम कर रहे हो अंकिता, और एक जो वो रॉनेस लाती है ना, उसमें कोई बैड हैबिट्स नहीं है. जो कि एक्टर जो कि ज़मानों से काम करें ना, कमाल के एक्टर्स होते हैं, बट कई बैड हैबिट्स, इसमें एक रॉनेस थी जो कि आपको पता नहीं है वो क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, तो ऑटोमेटिकली आपके रिएक्शन भी अलग होते. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा खेल था. मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे पंजाबी को कम करना था. और मेरा सिड को हसले सिड को डेफिनेटली थोड़ा, पर इन्होंने बहुत मेहनत की है. एंड पर इनकी सबसे अजीब बात है कि ये ऑफ शूट भी पंजाबी में बात करते हैं. इन्होंने ऐसा कर लिया अपनी लैंग्वेज पे काम करने के लिए, ऑलवेज यूज टू टॉक इन पंजाबी, एंड आई थिंक ही इज रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट. और अब तो ये बहुत पंजाबी बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही. ओके, मुझे लगता है ये एक लव स्टोरी दो की पार्टीशन एरा की है, आज के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट है. हमारे शो में एक फ्रेशनेस है जो कि कई बार आपको इंडियन टेलीविजन पे दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली जब देखेगी कनेक्ट करेगी कैरेक्टर से एंड होपली पसंद करेगी. बहुत डिफरेंट है अभी के रेगुलर शोज से, एंड आप देखोगे तो आई थिंक आप फील करोगे कि आप एक्चुअली उसी टाइम में चले गए हो, विद द म्यूजिक एंड द लुक्स ऑफ द कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, इवन आर सेट, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो वेल डिटेल्ड. आई थिंक बहुत डिफरेंट होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू.